विवेक शर्मा हमारे संवाददाता बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरियाणा के बहादुरगढ़ से, और उनसे भी बात करते हैं। विवेक, बहादुरगढ़ में तो दिल्ली मेट्रो का जो स्टेशन है उसके एंट्री और एग्जिट गेट तक बंद कर दिए गए, और इसके अलावा बहादुरगढ़ में कितना असर देखने को मिल रहा है बता सकते हैं आप? देखिए गौरव, बात की जाए तो बहादुरगढ़ जो मेट्रो स्टेशन है उसे बंद कर दिया गया है, और साथ ही उसके आसपास तीन और मेट्रो स्टेशन जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। और यहाँ पर बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी को लगाया गया है, हरियाणा पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, और साथ ही यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे की मदद से आसपास निगरानी जो है वो रखी जा रही है। तकरीबन 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि किसानों के यहाँ पर पहुँचने की संभावना जो है वो जताई जा रही है, और जो यहाँ पर आकर प्रदर्शन करने वाले हैं। पुलिस का साफ ये कहना है कि पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, ट्रेन को यहाँ पर रोकने नहीं दिया जाएगा, ट्रैक जाम होने नहीं देंगे, हर तरह की जिस तरह से पहले बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अगर किसान नहीं मानेंगे तो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो साफ है कि जिस तरह से किसानों ने आज रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है, तो वहीं पुलिस ने भी जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। उनका साफ कहना है जिस तरह से 26 तारीख को हिंसा हुई थी उसको देखते हुए कहीं भी कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ी जाएगी, किसी भी शख्स को, किसी भी किसान को यहाँ ट्रैक पे नहीं दिया जाएगा। दिख रही है वो तस्वीरें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पटना में देखी थी, और जो रुपेश बता रहे थे कि महज एक फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया नेताओं ने और फिर वहां से चलते बने, बहादुरगढ़ में क्या कुछ ऐसा दिखा? क्या वाकई ट्रैक पर बैठे किसान क्या दिख रहा है वहां? और वहां तो किसान भी नहीं दिख रहे अभी आपके आसपास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।